तो ऑल्टरनेटिंग करंट की आज थर्ड क्लास है हम लोगों की। कल हमने क्या देखा था कि जो भी ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इन सबको भी रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर की जब तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, सारे फॉर्मूले सीरीज पैरेलल सारी चीजें व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। तो अभी इसी के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो ये क्वेश्चन देखो खुद से ट्राई करना। अभी क्या दे रखा मुझे यहाँ पे, ये कैपेसिटर है जो 2 mF का है, ये इंडक्टर 0.2 H, ये 8 ओम का है, ये 3 ओम का, और ये 10 mF है, ठीक है। ए और बी के बीच में अभी मुझे इफेक्टिव इंपीडेंस निकालनी है, गिवन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी 50 rads/s है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ठीक से करो, कोशिश करो अपने आप से सही आ जाए आंसर। हाँ डायरेक्ट ही है, हर एक इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर दोगे, जे ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे। तो ओमेगा कितनी है, 50 है, तो 50 × 0.2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 J हो जाएगा, ठीक है, ये 10 J हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -J/ωc, ठीक है, जो भी वैल्यू डाल के निकाल लोगे, और इसका भी -J/ωc। और उसके बाद तो फिर क्या है, देखो तो ये क्या है मेरा 8 + 10 J, ये इस ब्रांच का हो गया, ठीक है, और ये पैरेलल में इसका अगर निकालोगे तो कैपेसिटर का ये -2J आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दिस थिंग इन पैरेलल विद दिस थिंग, तो 8 + 10 J पैरेलल विद 3 - 2J, और दिस थिंग सीरीज विद, इसका कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा -10 J आएगा, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 / R1 + R2, तो बस 8 + 10 J × 3 - 2 J / R1 + R2, ठीक है, एंड होल थिंग, एंड देन सी एक और ये -10 J। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके तुम लोगों का आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा, डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में हम इंपीडेंस निकाल के करंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द शोन सर्किट XC जो दे रखा है मुझे सीधे 100 ओम दे रखा है, ठीक है, दिस 100 ओम, और XL दे रखा है कितना, 200 ओम, ठीक है। कई बार खाली ऐसे 100 दे देते हैं, 200 देते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि XL के साथ +J लगा हुआ है और XC के साथ -J लगा हुआ है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है, लिखते नहीं। 100 ओम कैपेसिटेंस दे दिया, इसका तो -100 J है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 100 ओम दे रखी है। और क्या पूछा है, यहाँ पे वोल्टेज लगा रखी है हमने 200 sin ωt, और क्या पूछा, करंट निकालना है सोर्स से और उसकी RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है, जल्दी से करो ट्राई। हाँ डायरेक्ट है ये क्वेश्चन भी, यहाँ पे ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, तो बस कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद बस फेजर से डिवाइड कर देना, वोल्टेज फेजर डिवाइड बाय इंपीडेंस फेजर इज योर करंट फेजर, खत्म। तो क्या हो गया, XL तो 200 J हो गया, ठीक है, और XC हो गया -100 J, तो इंपीडेंस मेरी क्या हो जाएगी, 100 पैरेलल विद, ये क्या हो जाएगा, 200 - 100 J, ठीक है, समझ गए। तो ये तो क्या हो गया, 100 पैरेलल 100 J, तो 100 × 100 J डिवाइड बाय 100 + 100 J, तो ये सिंप्लीफाई करके तुम्हारा फाइनली क्या आ गया, 50 + 50 J, विच इज नथिंग बट 50√2 ∠45°, राइट, ये नेट इंपीडेंस आ गई 50√2 ∠45°, समझ में आ रहा है। तो बस, तो फिर करंट क्या हो जाएगा, V/Z, तो V क्या है मेरा, 200 sin ωt, तो sin ωt यानी cos में क्या हो जाएगा, ωt - 90° होगा, राइट। तो ये कितना है, 200 ∠ -90° डिवाइडेड बाय 50√2 ∠45°, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपली सॉल्व करके 2√2 ∠ -135, यानी 2√2 cos ωt - 135। अब साइन में दोबारा रिपोर्ट करना चाहते हो तो साइन में ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा IRMS क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है कि जब भी सिनुसाइडल क्वांटिटीज होती हैं तो RMS वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है, तो यहाँ पे पीक वैल्यू तो 2√2 दिख रही है, इसका 1/√2 टाइम्स करोगे तो 2 एम्पियर आ गया RMS। क्लियर है सभी को, आया समझ में तुझे। अभी इसी क्वेश्चन को तुम ज्योमेट्रिकल मेथड से ट्राई करो, कोशिश करो खुद से हो जाए तो बेटर है, नहीं तो समझने की कोशिश करना मेरे सॉल्यूशन को, ठीक है, ट्राई करो थोड़ी देर। ट्राई करने से पहले ज्योमेट्रिकली एक बार सुन लेना मेरी बात, थोड़ा सा दिमाग तेज चलेगा। इस ब्रांच का जो है तुम्हारा क्या आया था, 100 J आ गया था ना मिला के इफेक्टिव, इसका 100 J मतलब ओवरऑल इंडक्टर इफेक्टिव है यहाँ पे, यानी ओवरऑल इंडक्टर रिएक्टेंस पॉजिटिव है ना, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल इंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, इज इट नॉट, एज इफ एक सिंगल 100 J का इंडक्टर लगा हुआ, ऐसा ही है ना सर्किट। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करती है, ठीक है, इसका मतलब करंट लैग करता है वोल्टेज से। जब ये पैरेलल ब्रांचेस दिख रही हैं, पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज फेजर तो दोनों के क्रॉस सेम ही है, इसके अंदर आर के अंदर क्या होगा, वोल्टेज फेजर और करंट फेजर तो सेम लाइन के अलोंग ही होंगे, देयर इज नो फेज डिफरेंस, जबकि इसके अंदर जो होगा वोल्टेज फेजर 90 डिग्री आगे होगा, यानी कि करंट फेजर हम कह सकते हैं 90 डिग्री पीछे होगा, वोल्टेज फेजर तो सेम है ना, तो वोल्टेज फेजर के रिलेटिव हम कह सकते हैं करंट फेजर जो होगा 90 डिग्री पीछे होगा, तो इसका जो भी करंट होगा इससे 90 डिग्री पीछे इसका करंट होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों करंट्स का जो फेजर सम है वो हमारा ये मेन ब्रांच का करंट होना चाहिए, ठीक है।
अभी सोचने की कोशिश करो, शायद ज्योमेट्रिकली अब तुम लोग खुद से कर पाओगे, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? ओके, एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट फेजर सबका सेम होगा, वोल्टेज फेजर अलग अलग होंगे, ठीक है? ठीक है, वोल्टेज फेजर सीरीज में अलग अलग हो सकते हैं एलिमेंट्स एक ऑफ, लेकिन करंट फेजर सेम। अगर कई चीजें सीरीज में लगी हुई हैं और हर एक जो ब्रांच के अंदर सीरीज में अलग अलग एलिमेंट्स लगे हैं, इन सबके वोल्टेज के फेजर सम जो होगा वो ओवरऑल जो वोल्टेज होगा सोर्स का उसके बराबर होगा, ठीक है? जैसे कि हमने कल देखे थे सर्किट्स, आरएल सर्किट सीरीज देखा था, आरसी सर्किट सीरीज देखा था, उधर में हमने वोल्टेज फेजर्स का सम जो है वो ओवरऑल वोल्टेज के बराबर किया था, ठीक है? जब मेरे पास पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज फेजर सब ब्रांचेस के क्रॉस सेम होगा, करंट फेजर अलग अलग होगा, और मेन ब्रांच का जो करंट होगा दैट विल बी द फेजर सम ऑफ करंट्स इन द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है? तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 200, 200 है ना, अगर एम्पलीट्यूड हम देखें तो 200 है, और यहाँ पे अगर देखो तो ये 100J है, राइट? तो इसके अंदर जो करंट होगा खाली इससे डायरेक्टली, इसका करंट तो डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, 200 डिवाइडेड बाय 200J, मतलब व्हाट एवर दिस एंगल इज, यहाँ पे ये 200J से डिवाइड करना है इसको, इज इट नॉट? तो इसके इससे इसका करंट डायरेक्टली मिल जाएगा और इससे इसका करंट अलग से मिल जाएगा, और उन दोनों करंट्स को मुझे फेजर सम लेना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सपोज दिस ब्रांच वर नॉट देयर, इज द करंट थ्रू दिस ब्रांच डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू दिस? नो, इन पैरेलल ऑल द ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट, राइट? डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स, सो दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड द करंट थ्रू आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, सो दिस करंट कैन बी फाउंड इंडिविजुअली, दिस करंट कैन बी फाउंड इंडिविजुअली एंड दिस करंट कैन बी देन एडेड अकॉर्डिंग टू द फेजर, राइट? नाउ फॉर फेजर एडिशंस यू नीड टू नो द फेज रिलेशनशिप्स, राइट? सो इन रेजिस्टर सपोज योर ओवरऑल वोल्टेज फेजर इज लेट अस से इन एनी डायरेक्शन, सो इन रेजिस्टर द करंट फेजर विल बी इन द सेम फेज एज द वोल्टेज फेजर, राइट? वेयर एज इन द इंडक्टर कैपेसिटर ब्रांच, बिकॉज द ओवरऑल इफेक्टिव इज इंडक्टिव, ओवरऑल दिस ब्रांच इज इंडक्टिव, राइट? बिकॉज कॉम्प्लेक्स पार्ट वॉज पॉजिटिव, सो देयर फॉर वॉट विल हैपन, वॉट हैपन्स इन एन इंडक्टर, इन इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करेंट, बट हेयर यू वॉन्ट द फेजर रिलेटिव टू द वोल्टेज, सो यू कैन से दैट करेंट लैग्स द वोल्टेज, गेटिंग इट और नॉट? तो इसके अंदर जो भी करंट है, दिस करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज एंड दिस करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज, इज दिस मच मेकिंग सेंस? सो नाउ आई कैन मेक द फेजर्स अकॉर्डिंगली, सो दिस करंट, दिस इज 200 एंड दिस इज 100, सो पीक करंट थ्रू दिस इज 200 बाय 100, दैट इज 2 एम्पियर, राइट? एंड थ्रू दिस ऑल्सो पीक करंट विल बी 2 एम्पियर ओनली, व्हाई? बिकॉज दिस इज 200 एंगल समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एंगल 90 डिग्री, राइट? 100 एंगल 90 डिग्री, so 200 by 100 again the magnitude is going to be 2 only, right? But this current has to be behind the this current by an angle of 90 degree, so how am I making the phasor? You see, so resistor current I have made 2 amperes like this, okay, and the inductor because it has to lag behind, so that's why it is in the clockwise direction 90 degree related to the voltage phasor in the resistor, got it? So ye 2 ampere idhar bana diya, magnitude is 2 amperes and the direction is 90 degree behind, and these two phasors they add up to give the total current phasor, right? Got it? Okay, and this is the and the total voltage phasor is the same as the current phasor in the resistance, right? So that means what I can say, if this angle is theta, then my overall current is lagging behind by an angle theta with respect to the source voltage, because source voltage is in the same direction as the current in the resistance phasor, current phasor in the resistance, right? Making sense? So now you can see that this current is how much? This current amplitude is 2 ampere, 2 ampere makes 2 root 2 by Pythagoras, right? And this angle is tan theta is 2 by 2, right? That is 1. So theta is 45 degree. So what I can say is that current is lagging behind by an angle of 45 degree with respect to the overall circuit voltage. Got it? So now you have 2 root 2 and the angle is also known. So whatever is the voltage angle, you subtract 45 degree from that, you get the current angle. Okay, so this is what I have written. In the resistor, voltage and the current are in same phase, while in inductor, voltage leads, or we can say current lags. In parallel circuits, we are mainly interested in the phase of current with respect to voltage rather than the phase of voltage with respect to the current, because voltages are all in the same phase, right? Okay, let theta be the angle by which the total current in the circuit lags behind the voltage. Now, current in the resistance is 2 ampere, 200 by 100, and current in the LC branch is again 2 ampere. Okay. Overall inductance effect dominates. Okay. Note that voltage is along the orange phasor. Voltage is in this phase only. Why? Because current and voltage in the resistor are in the same phase.
ओके करंट फेजर इन द रेस दस फ्रॉम द डायग्राम आई इज रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 2√2 एम्पीयर्स एंड थीटा इज 45 डिग्री सो नेट करंट लैग्स बिहाइंड बट द वोल्टेज बाय 45 डिग्री सो आवर आंसर इज स्ट्रेट अवे 2√2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री गॉट इट ओके सो फॉर पैरेलल सर्किट्स वी टेक द वेक्टर सम ऑफ करंट फेजर्स एंड फॉर सीरीज सर्किट वी टेक द वेक्टर सम ऑफ द वोल्टेज फेजर्स गॉट इट ठीक है सो आई होप ज्योमेट्रिकल मेथड इज क्लियर टू एवरीबॉडी ठीक है Now let us look at the next question. This time I want you to do it using complex numbers. Okay. So the question is what? For the shown circuit, find the voltage across the capacitor as a function of time. You have to find VC as a function of time. Try karo khud log, sab log. ठीक है तो इसको अभी discuss कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है ये दोनों आपस में parallel में और that in series with the inductor. तो बस complex में मेरे को effective resistance निकालनी है effective impedance बोलते हैं यहाँ पे बस ठीक है तो एक्स सी तो क्या हो जाएगा माइनस जे बाई ओमेगा सी सी की वैल्यू डाल दो ओमेगा कितना 4 तो माइनस जे बाई ओमेगा सी कैलकुलेट करोगे तो एक्स सी की वैल्यू आ जाती है माइनस 20 जे ओम ठीक है और ऐसे ही एक्स एल कैलकुलेट करोगे तो जे ओमेगा एल तो कैलकुलेट करोगे 1.8 इंटू 4 वो 7.2 जे आ गया ठीक है अब टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगी ये दिस और इन दोनों का पैरेलल तो माइनस 20 जे पैरेलल 15 एंड प्लस 7.2 जे उसको सॉल्व कर लेते हो तो सब कट पिट के इतना अच्छा आंसर आ जाता है सीधे 9.6 ओम आ जाता है यानी ओवरऑल जो सर्किट है इफेक्टिवली एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना अब तो वोल्टेज क्या हो जाएगी अच्छा तो अब वोल्टेज जो होती है हमारी क्या होती है वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज में या रेशियो ऑफ इम्पीडेंसेज में मेरा वोल्टेज डिवाइड होता है राइट तो यानी इस पैरेलल ब्रांच के क्रॉस क्या होगा इसका जो इम्पीडेंस है डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस इनटू टोटल वोल्टेज राइट यही करते हो ना रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में डीसी सर्किट्स में क्या होता है R1 R2 R3 वगैरह रेजिस्टेंसेस है तो R3 के क्रॉस क्या होता है R3 / R1 + R2 + R3 * द सोर्स वोल्टेज राइट तो वही काम यहां पे भी करने वाले तो RC का कंबाइंड इंपीडेंस डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस * द मेन वोल्टेज फेजर तो RC का अकेले का तो 9.6 - 7.2 जे विद और सिंपलीफाई करके अच्छा एंगल बनता है 12 एंगल - 37 बन जाता है ठीक है तो बस 12 एंगल - 37 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस तो 9.6 है इनटू और ये कितना मेरा 10 एंगल माइनस 45 बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये आ गया मेरे पास 12.5 कॉस ऑफ 40 माइनस 82 डिग्री ये मेरा फाइनल आंसर आ गया सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द ड्रॉप अक्रॉस द RC पैरेलल मैं क्या कर सकता था मैं खाली इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप निकाल लेता कॉम्प्लेक्स ड्रॉप निकाल लेता और टोटल सोर्स वोल्टेज में से इंडक्टर के वोल्टेज फेजर को माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास ही आ जाएगा समझ में आएगा क्लियर इफ दैट हेल्प्स द कैलकुलेशन आई डोंट नो वेदर दैट विल बी इजीियर कैलकुलेशन बट यू कैन ऑलवेज डू दैट क्योंकि मुझे पता है इंडक्टर का फेजर प्लस ये RC पैरेलल का फेजर इज इक्वल टू सोर्स का फेजर वोल्टेज राइट तो टोटल वोल्टेज फेजर में से मैं इंडक्टर का फेजर माइनस भी कर सकता था अगर उसे कैलकुलेशन आसान होती है तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग बात समझ आएगी नहीं आई होप क्लियर है सभी को इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं सीरीज LCR सर्किट यूजिंग द फेजर डायग्राम देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से तो जितना तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन है उससे सब कुछ सॉल्व कर सकते हो थियोरेटिकली इन प्रिंसिपल सब कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या करना है जो मर्जी मैं 50 लूप बना दूं क्या फर्क पड़ता है यानी लूप लॉ की इक्वेशन बनाते जाओ 10 अननोन 10 इक्वेशन करके सॉल्व कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ठीक है लेकिन मैंने जैसे कि बोला था स्पेशल केसेस के लिए हमको फेजर की भी नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए तो इसलिए हम लोग सीरीज सर्किट को अभी हम लोग फेजर से भी सीखेंगे ठीक है नहीं वैसे तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी अगर LCR सर्किट देखो तो हमने काफी पहले ही सीख लिया था कि किस तरह से करते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनाओगे सेकंड ऑर्डर सॉल्व कर लोगे फटाफट आ जाएगा सबके ठीक है अभी हम लोग उस चीज को थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझेंगे उसी चीज को फेजर से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मेरे पास क्या है ये मेरे पास मान लो सोर्स है और सोर्स का जो करंट है लेट अस से वो कैपिटल आई कॉस ओमेगा टी मेरा सोर्स का करंट है ठीक है तो मैंने मान लो आई कॉस ओमेगा टी तो एक जनरल टाइम टी पे अगर मैं फेजर को देखूं यहां पे थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूं तो मेन सोर्स का जो करंट फेजर है वो तो ऐसे करके ऐसे किसी ओमेगा टी एंगल पे नजर आ रहा होगा जनरल टाइम पे वैसे टी इक्वल टू 0 पे अक्सर फेजर बनाते हैं बट यहां पे जनरल टाइम पे ही दिखा रखा है तो करंट फेजर तो यहां से ओमेगा टी घुमा हुआ होगा राइट अब सीरीज के अंदर करंट तो तीनों ही ब्रांचेस में सेम है यानी ब्रांचेस क्या होगी तीनों ही एलिमेंट्स में सर्किट एलिमेंट में LCR में सब में करंट तो सेम है इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो करंट से लीड कर रहा होगा कितना 90 डिग्री से ठीक है तो ये अगर मेरा सर्किट का मेन करंट का फेजर है तो इंडक्टर का फेजर इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा और कितनी लेंथ का दिखेगा I into XL लेंथ का दिखेगा तो ये मेरा इंडक्टर का वोल्टेज फेजर होगा राइट
और कैपेसिटर का जो वोल्टेज फेजर होगा वो क्या होगा, मेन करंट फेजर से 90 डिग्री पीछे होगा, राइट। तो ये मेरा इंडक्टर का वोल्टेज फेजर हो गया I इंटू XL, और ये मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर हो गया I इंटू XC। हम चाहे तो इन दोनों फेजर्स को कंबाइन करके सीधे बोल सकते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड वोल्टेज जो VL माइनस VC हो गया, VL मेरा IXL ऊपर है और VC जो है IXC पीछे, तो इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि VL माइनस VC लेंथ का इतना फेजर हो गया, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि XL जो है वो XC से बड़ा है तो फिर इधर आएगा, नहीं तो फिर नीचे भी आ सकता था, अगर XC मेरा बड़ा था तो नीचे आ जाता इस पर, ठीक है। अब मेरा ओवरऑल जो वोल्टेज फेजर है तो ये अच्छा रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर क्या होगा, वो तो IR इस लेंथ का हो जाएगा, राइट। तो ये IR वोल्टेज का फेजर, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर है और ये इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला के फेजर है। तो अब इसका फेजर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये फेजर रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ये फेजर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हो वो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा टोटल वोल्टेज फेजर, समझ में आई बात की नहीं। और उसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ये तुम्हारा VR डिवाइड बाय VL माइनस VC, और हमें पता है कि VR जो है वो I इंटू R है और ये क्या I इंटू XL माइनस XC है, राइट, ये जो लेंथ है। तो इसका मतलब क्या, ये जो tan phi आ जाएगा तुम्हारा R अपॉन XL माइनस XC आ जाएगा, देखो क्योंकि I तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, सोच के देखो ये क्या है मेरा, ये I इंटू XL माइनस XC नहीं लिखा ये, बोलो ये जो VL माइनस VC है ये क्या है, I इंटू XL माइनस XC है ना, और ये क्या है मेरा, ये I इंटू R, तो I I तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, tan phi क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली tan phi विल बी सिंपली R अपॉन XL माइनस XC। तो उससे मेरे पास एंगल आ गया, एंगल भी आ गया और पाइथागोरस थ्योरम से ये रिजल्टेंट भी आ गया, तो करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज फेजर मुझे मिल जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, पूरी तरह से वोल्टेज फेजर मेरा डिफाइन हो जाएगा। अच्छा गलती से मैंने R अपॉन XL माइनस XC बोल दिया, सॉरी XL माइनस XC अपॉन R होगा, tan phi जो है वो ये XL माइनस XC के पोर्शन होगा, ये R के पोर्शन होगा, योर राइट। तो XL माइनस XC बाय R हो जाएगा tan phi जो है, ठीक है। तो यही सारी बातें लिखी हुई है, तुम लोग इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे ये हाइलाइट्स एक बार मैं चाह रहा हूँ दिमाग में अच्छे से बिठा लो अपने, क्या क्या लिखा है, रेजिस्टर वोल्टेज फेजर इज इन फेज विद द करंट फेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैपेसिटर वोल्टेज फेजर लैग्स द करंट फेजर बाय 90 डिग्री, ये कैपेसिटर वोल्टेज फेजर। फिर क्या लिखा, इंडक्टर वोल्टेज फेजर लीड्स द करंट फेजर बाय 90 डिग्री, ठीक है, और करंट फेजर सारे सर्किट एलिमेंट्स का सेम है, ठीक है। सोर्स वोल्टेज फेजर इज द वेक्टर सम ऑफ VR VL एंड DC, ठीक है, ये ध्यान रखना ये फेजर सम है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो होती हैं वो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐड नहीं होती, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज सीधे एल्जेब्रिकली ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की अक्रॉस वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, ठीक है, इट विल बी सम पॉजिटिव नंबर, राइट। इसी तरह से जो अपना ये इंडक्टर वगैरह के इंडक्टर के पास के अक्रॉस जो कंबाइंड है वो ये है, तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू, अगर टोटल देखना इंस्टेंटेनियस तो इनको सिंपली ऐड करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ट्राइंगल लॉ के तरह से ऐड नहीं करती, ठीक है, ध्यान रखनी, क्योंकि वेक्टर को जब ऐड करते हो तो एक्स कॉम्पोनेंट्स तो सीधे अल्जेब्रिकली ऐड होते हैं ना, एक्स कॉम्पोनेंट्स में पर्सनल वेक्टर सम थोड़ी ना लगाना पड़ता है, ओवरऑल वेक्टर वेक्टर सम होता है, लेकिन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स तो अल्जेब्रिक सम ही होते हैं। तो फेजर का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज उसकी एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शंस हैं, तो प्रोजेक्शंस तो सीधे ही ऐड होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा बोल दिया कि इंडक्टर के अक्रॉस, मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन कहीं पे था कि इंडक्टर के अक्रॉस 3 वोल्ट दिया हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखा है लेट अस से 7 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टर के क्रॉस दे रखा 2 वोल्ट, ठीक है, या -7 दे रखा, तो बच्चों को लगता है यार ये 3 -7 करके -4 आ रहा है और रेजिस्टर का एक 3 आ रहा है तो -4 और 3 करके मस्त सा ट्राइंगल बन जाएगा, गलत है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो सीधे सीधे ऐड होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के अंदर फर्दर ट्राइंगल नहीं बनाना, जस्ट बिकॉज समथिंग इज 5, 12 and 13 डजंट मीन दैट इट हैज टू बी राइट ट्राइंगल, ठीक है, नहीं, ऑल्दो इट इज वेरी टेम्पटिंग, वो बायस होता है, कॉग्निटिव बायस होता है, क्योंकि जेई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है 3, 4, 5 की आदत पड़ चुकी होती है हम लोगों को, ठीक है, तो ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डू नॉट ऐड लाइक ट्राइंगल लॉस, दे आर सिंपली एडेड डायरेक्टली, कई बार क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दे रखी होती है, ठीक है। तो आई होप ये फेजर डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा, एडजेसेंट फिगर शोज द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट विद करंट I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी एंड XL इज ग्रेटर देन XC, एट अ जनरल इंस्टेंट करंट फेजर मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, एंड हैज अ फेजर लेंथ ऑफ I इनटू XL, ठीक है, ये सारी बात लिखी है। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, लैग्स बिहाइंड बाय द फेज ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, और इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर की वोल्टेज हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, अगर सीरीज सर्किट है तो कैपेसिटर में अगर पॉजिटिव होगा तो इंडक्टर में हमेशा नेगेटिव होगा, दे कैन नॉट बी ऑफ द सेम साइन, दिख रहा है ना, इनके फेजर हमेशा 180 डिग्री अपोजिट होंगे, तो एक के अक्रॉस अल्जेब्रिक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे के अक्रॉस अल्जेब्रिक वैल्यू पक्का नेगेटिव होगी, दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैन नॉट बी साइमल्टेनियस बी पॉजिटिव, राइट। ठीक है, तो क्या लिखा इसके बाद, कैपेसिटर इंडक्टर फेजर्स आर 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर एंड अपॉन फेजर एडिशन कैन बी कंसीडर्ड टुगेदर एज अ फेजर ऑफ लेंथ आई इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा, अगर एक्ससी बड़ा होता तो फिर आई इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल करके नीचे की तरफ 90 डिग्री लिखा होता। ठीक है, वीएल यहाँ पे वीसी से बड़ा है और टोटल वोल्टेज उन दोनों का कंबाइंड वीएल माइनस वीसी है। इन द रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज एंड द लेंथ ऑफ द वोल्टेज फेजर इज आई आर। नाउ टोटल वोल्टेज फेजर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फेजर सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, दस नेट वोल्टेज फेजर क्या हो जाएगा, V will be under root of VL minus VC का square plus VR का square का under root। तो ये क्या हो जाएगा, I into XL minus XC square plus IR का square whole का under root। जब ऐसे लिख रहे हैं तो ये complex नहीं है, मतलब समझ गए, magnitude लिख रखे हैं, XL XC ये सब magnitudes हैं। ठीक है, वो तो दिखाई दिया एंगल, तो फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ नहीं लगाओगे एंगल दिखाने के बाद, है ना, समझ गए। तो ये मेरा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड आ गया और इसको हम कह सकते हैं आई इंटू जेड, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, सीरीज सर्किट का Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये सीरीज का हमारा इफेक्टिव Z हो जाएगा। बाय द वे सीरीज सर्किट जो है ये JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट सिलेबस तो तुम लोग देख लेना क्या लिखा है, बाकी एक टाइम पे यही लिखा रहता था एक्सक्लूसिवली एसी सर्किट में ओनली सीरीज सर्किट लिखा रहता था और JEE के अंदर ज्यादातर आया भी सीरीज सर्किट ही है। ठीक है, ऑल दो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम लोगों के पेपर्स में, तो पैरेलल भी आ जाएगा, ठीक है, और क्रिएटिव क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, बट वैसे सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तुम्हारा जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ये फेजर डायग्राम तुमको पता होना चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और ये सीरीज फेजर डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये मेरा क्या है, सर्किट का इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस क्या हो गया, सिंपली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये इम्पीडेंस हो गया। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डायरेक्टली दिख ही रहा होगा तुम्हें, जे इंटू एक्सएल माइनस जे इंटू एक्ससी एंड प्लस आर, तो निकालोगे मैग्नीट्यूड पे ही आ जाएगा। ठीक है, which is the impedance of the circuit, that is mod of the complex impedance. ये जब ऐसे लिख रहे हो तो ये mod लिख रहा है complex impedance का। Also phi क्या है, वो angle है जिससे voltage मेरा lead कर रहा है, तो tan phi क्या आ गया, VL minus VC by R, which is same as XL minus XC by R. तो phi क्या हो जाएगा, tan inverse of XL minus XC by R हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब क्या हो जाएगा, अगर V phi पता और V पता है तो फिर complete voltage क्या लिख सकते हैं, V is equal to IZ cos of omega t plus phi, directly लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी दूसरा फेजर डायग्राम देखो, ये दूसरा फेजर डायग्राम किस केस के लिए, अगर मेरा XC XL से बड़ा होता, अगर मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो IXC फेजर मेरा ज्यादा बड़ा हो जाता और IXL फेजर छोटा हो जाता, तो इनका कंबाइंड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता, राइट। और जो ओवरऑल करंट है रेजिस्टेंस में, ओवरऑल करंट और रेजिस्टेंस का ओवरऑल वोल्टेज फेजर तो सेम ही लाइन में होगा, तो ये मान लो ये मेरा रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फेजर है, आईआर के बराबर लेंथ का होगा, राइट, रेजिस्टर के क्रॉस आईआर होगा और इन दोनों का कंबाइन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, वीसी माइनस वीएल विच विल बी आई टाइम्स एक्ससी माइनस एक्सएल हो जाएगा, राइट। अब वापस अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल वोल्टेज आ गई तुम्हारी, ये क्या आ जाएगी, आई इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये मेरी टोटल वोल्टेज आ गई। और अभी यहाँ पे क्या है, फाई लैगिंग आ गया तुम्हारा, इधर तो टैन फाई क्या हो जाएगा, अभी ये लेंथ क्या हो जाएगी, एक्ससी माइनस एक्सएल बाय R, tan phi क्या हो जाएगा, XC minus XL by R, and it is lagging. तो overall voltage will be lagging behind the current. ठीक है? तो कई बार ऐसा टर्म यूज करते हैं, the circuit is inductive. खाली इतना बोल देते हैं, circuit is inductive का मतलब क्या है, ओवरऑल जो है हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। ठीक है, और जब बोल देते हैं सर्किट इज कैपेसिटिव, मतलब XC XL से बड़ा है, और उसका मतलब क्या, ओवरऑल वोल्टेज जो होगा हमारा वो लैग कर रहा होगा करंट से। ठीक है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी, है ना, तो समझ में आया ना, अगर कैपेसिटर लीड कर रहा है तो कैसा फेजर डायग्राम बनेगा, यानी लीड नहीं कर रहा, सॉरी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बड़ी है तो कैसा फेजर बनेगा। ठीक है, ओके, अब टोटल वोल्टेज फिर क्या हो जाएगा, आई जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा क्योंकि ये लैग कर रहा है। ठीक, तो जेड क्या हो जाएगा, अच्छा, एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये मेरा जेड हो गया। ठीक है, फाई क्या है, फाई इज द एंगल बाय विच वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, और वी कैन से दैट एंगल बाय विच करंट लीड्स द वोल्टेज। तो अगर मान लो करंट फेजर की जगह वोल्टेज फेजर दिया होता, तो वोल्टेज फेजर से करंट फेजर निकालने के लिए हमको प्लस फाई लगाना पड़ता, जैसे इस वाले केस के लिए जहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ओवरऑल सर्किट कैपेसिटिव है, तो इसमें अगर मेरा वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी वोल्टेज अगर दिया होता तो करंट लीड कर रहा था भाई, सेम एंगल फाई मेथड यही रहता, बस क्या है, उसमें फाई मेरे को बढ़ाना पड़ता है वोल्टेज के रिलेटिव करंट के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है ना, करंट से वोल्टेज के लिए फाई सबट्रैक्ट कर रहे हो, यानी वोल्टेज से करंट के लिए फाई ऐड करोगे, बाकी फेजर डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है,
तो क्या लिखा, इफ इंस्टेड ऑफ करंट वोल्टेज फंक्शन वर गिवन एज बी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो फिर करंट क्या लिखते, वी नॉट बाई जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते, समझ गए। करंट से वोल्टेज निकालने के लिए माइनस फाइव किया, वोल्टेज से करंट निकालने के लिए उतना ही प्लस फाइव करना पड़ेगा। क्या लिखा, सिंस वी इज इक्वल टू आई जेड होल्ड्स फॉर पीक वोल्टेजेस एंड करंट्स, इट आल्सो होल्ड्स फॉर आरएमएस वोल्टेजेस एंड आरएमएस करंट, बिकॉज़ वी आरएमएस इज सिंपली वी बाय रूट। तो जो वी इज इक्वल टू आई जेड, अभी तक तो जो फेजर्स हम बना रहे थे सर, इसमें बना रहे थे पीक वैल्यूज में बना रहे थे, ठीक है नहीं, आई आई आर जो लिख रहे थे, आई पीक करंट था, ठीक है। लेकिन हम चाहते तो ये सारा काम आरएमएस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आरएमएस और पीक तो बस एक स्केल की बात ही है ना, वन बाय रूट टू के स्केल की बात है, ठीक है। तो V is equal to, तो हम V is equal to IZ जो होल्ड करा रही है पीक वोल्टेज के लिए होल्ड करा रही है, इसका मतलब क्या, V RMS is equal to IRMS into Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 by root 2 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आगे बात समझ में, ठीक है। तो सीरीज का फेजर जो है हमको अच्छे से इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, स्पेशली सीरीज सर्किट के लिए, प्योर सीरीज के लिए और प्योर पैरेलल के लिए फेजर अच्छे से आने चाहिए। सीरीज पैरेलल मिक्स है तो अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर से हम काम कर लेंगे, लेकिन प्योर सीरीज प्योर पैरेलल के लिए अक्सर फेजर डायग्राम्स हमारे यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये अभी सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट जो अभी सीखा है पिछले उसमें उसको डायरेक्टली यूज करो फॉर्मुलों को, एकदम बेसिक से कुछ ना करो। तो पिछले सेक्शन में निकाल चुके ना हम लोग सेट कितना होता है, फाई कितना होता है, वो डायरेक्टली यूज करो अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे सीरीज सर्किट है, इस फिगर के अंदर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300 ओम, L दे रखा है 60 मिली हेनरी, कैपेसिटर दे रखा है 0.5 माइक्रोफैरड, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जो दे रखी है हमको, सोर्स वोल्टेज सॉरी कैपिटल V, एक सेकंड, हाँ वो उधर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर कर ली। तो ठीक है, ओमेगा क्या दे रखा है 10,000 रेडियंस पर सेकंड, और क्या निकालना है, XL XC निकालना है, इंपीडेंस निकालना है, और वोल्टेज एम्पलीट्यूड ओवरऑल ये निकालना है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। और क्या निकालना है हमको, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के क्रॉस भी वोल्टेज एम्पलीट्यूड निकालना है, और निकालना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, हाँ ये सब निकालना है, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज निकालनी, करंट दे रखा है, सब कुछ निकालना, ठीक है, ये सब चीज ट्राई करो। हाँ ये बहुत ही डायरेक्ट है क्वेश्चन, तो एक्सएल ओमेगा एल कर दिया, ओमेगा 10,000 बस वैल्यूज पुट कर दी, 600 ओम आ गया, यस। ऐसे ही एक्ससी निकालिए, ये 200 ओम आ गया, तो जेड क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, तो अच्छे अच्छे नंबर दे रखे, 500 ओम आ गया। अब वोल्टेज क्या ओवरऑल, आई इंटू जेड, तो करंट का एम्पलीट्यूड 0.1 है, इंटू जेड कर दिया 50 वोल्ट आ गया वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये निकालना था एक्चुअली, ठीक है। फिर इंडिविजुअल क्या है, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्ससी और आई इंटू आर, इंडिविजुअल वोल्टेज एम्पलीट्यूड आ गए, ठीक है, ओके। अब इंस्टेंटेनियस देखना है, तो हमें पता है रेजिस्टर में तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो बस स्मॉल वी आर, बाय द वे स्मॉल केस का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कैपिटल केस का मतलब है पीक वैल्यू। तो स्मॉल वी आर इज कैपिटल वी आर कॉस ओमेगा टी, तो ये 30 कॉस ओमेगा टी आ गया। कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, वोल्टेज पाई बाय टू पीछे रहेगी, तो इसलिए माइनस पाई बाय टू आ गया, और ये वोल्टेज निकाली थी 20 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और ऐसे इंडक्टर में क्या आ जाएगा, 60 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इंडक्टर में क्योंकि वोल्टेज लीड करेगी करंट से, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल क्या है, एक्सएल मेरा एक्सी से बड़ा, यानी सर्किट जो है मेरा इंडक्टिव है, तो ओवरऑल वोल्टेज जो है करंट से लीड करेगी, ठीक है। अगर ओवरऑल वोल्टेज लीड कर रही है तो इसका मतलब क्या, टैन फाइव क्या होगा, वीएल माइनस वीसी बाय वीआर होगा, और अदरवाइज लैग करता तो वीसी माइनस वीएल बाय आर से लैग करता, ठीक है। एक्चुअली चाहो तो एक ही फॉर्मूला कर सकते हो, हमेशा वीएल माइनस वीसी बाय आर लिखो, अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब वो लैग अपनी तो इतनी तक, ठीक है नहीं। तो बस अभी ये कैलकुलेट किया तो 4/3 आ गया, तो 53 डिग्री आ गया, ये इंडक्टिव है, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रही है, तो ये क्या आ गया, 50 cos ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री आ गया। क्लियर है सभी को, आया समझ में, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट को सीधे सीधे करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह कुछ नहीं लगाने, फॉर्मूले याद होने चाहिए सीधे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इंपीडेंस आ गई, उसके सीधे सीधे करना, ठीक है, शुड बी डन वेरी क्विकली। अभी यहाँ पे क्या है, ये प्लॉट बना रखा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस का, तुम लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बस इसमें वही देखने वाली बात है कि क्या चीज पाई बाय टू से आगे चल रही है, क्या चीज पाई बाय टू से पीछे चल रही है, और क्या चीज सेम फेज में चल रही है, ठीक है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बस यहाँ पे बना रखा है वही जो फंक्शन ऑब्टेन किया उसी के ग्राफ के इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो प्लॉट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस शोन इन द एडजेसेंट फिगर, नोट दैट V इज नॉट इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR, ये नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेंट ये क्या बोल रहा, टोटल वोल्टेज जो सिंपल एडिशन ऑफ दैट 3 नहीं होगा, टोटल वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज नॉट द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये हमेशा ट्रू है, instantaneous voltage will be always the algebraic sum of instantaneous voltages, total instantaneous voltage, although
ये ट्राइंगल की तरह ऐड होता है और ये सीधे अलजेब्रा से ऐड होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। दैट इज इंस्टेंटेनियस टोटल वोल्टेजेस, अलजेब्रिक सेम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस अक्रॉस ईच एलिमेंट, दो फेजर एम्पलीट्यूड्स हैव टू बी एडेड वेक्टोरियली। द टोटल वोल्टेज फेजर इज इंडक्टर फेजर प्लस कैपेसिटर फेजर प्लस रेजिस्टेंस फेजर। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर सप्लाइड इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में कितना पावर सप्लाई होगा? अच्छा एक चीज समझना, पावर डिसिपेट कहाँ पे होगा? पावर जितना भी डिसिपेट होगा खाली रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगा, राइट। पावर जो भी डिसिपेट होगा वो केवल रेजिस्टर में डिसिपेट होगा, क्योंकि कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करता है, राइट, डिसिपेट थोड़ी ना करता है। कैपेसिटर में अगर कुछ सप्लाई कर रहे हो वो स्टोर हो जाएगा, तो कैपेसिटर स्टोर भी कर सकता है, कैपेसिटर उस एनर्जी को वापस भी भेजता है। ऐसे इंडक्टर जो इंडक्टर स्टोर भी कर सकता है वापस भी कर सकता है एनर्जी। डिसिपेशन क्या होगा? कहाँ होगी? खाली रेजिस्टर के अंदर डिसिपेशन होगी, जितना भी डिसिपेशन होगी, बाकी तो स्टोरेज हो सकता है या वापस एम्प्टी हो सकता है। तो प्योरली अगर एलसी सर्किट है मेरा तो वो क्या होगा, वो सोर्स से कभी ले रहा होगा एनर्जी और कभी सोर्स को वापस भी दे रहा होगा। ओवर अ लॉन्ग पीरियड कुछ भी नेट पावर जीरो ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी हम जनरल देखते हैं कि जनरल सर्किट में हमारा कितना पावर होगा, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो देखो पावर क्या होता है, हमारा पावर होता है मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी सोर्स का क्या होगा पावर, यही होगा ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो मान लो मेरे पास एसी सर्किट है जिसमें ड्राइवर करंट और वोल्टेज में फाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो मान लेते हैं करंट मेरा आई कॉस ओमेगा टी और वोल्टेज मेरा वी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब क्या कर सकते हो इसको, कॉस ए कॉस बी, तो टू कॉस ए कॉस बी से इसको चाहो तो, सॉरी इसको नॉट टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी से पहले इसको एक्सपैंड किया फिर आई कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाई आएगा इसका, ठीक है, इंटू आई कॉस ओमेगा टी। और इसको फर्दर तुमने मल्टीप्लाई आउट कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास, वी आई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, एक ये टर्म आ गया, और दूसरा टर्म क्या आ गया, वी आई साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आप ध्यान से समझना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मतलब क्या हो गया, साइन टू ओमेगा टी हो गया, राइट। तो ये तो सिंपल साइन साइन का टर्म है, साइन टू ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। बोलो साइन टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं? तो ये वाले टर्म की तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, बराबर बराबर से, राइट। वेराज ये वाला जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वी आई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अभी मेरे को ओवरऑल एवरेज पावर चाहिए, तो इस टर्म की एवरेज चाहिए मुझे। अभी किसी सम की एवरेज क्या होती है, एवरेज ऑफ द सम होती है, ठीक है, सम ऑफ द एवरेज, अगर एवरेज ऑफ अ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द एवरेजेस। तो कई जैसे चार पांच टर्म है उनका सम का एवरेज निकालना, तो हर एक टर्म का एवरेज निकाल के सीधे ऐड कर सकते हो, दैट्स यू कैन ऑलवेज डू, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस एंगुलर ब्रैकेट का मतलब है इसका एवरेज निकाल रहे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू तो मेरी जीरो होगी, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो शुड बी 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज पावर फिर क्या हो जाएगा मेरा, तो ये देखो ये वाला टर्म क्या लिख दूंगा, वी आई बाई टू कॉस फाइव लिख दूंगा, ठीक है, ये एवरेज पावर हो गया। और इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव लिख सकता हूँ, समझ गए कि नहीं, क्योंकि 1/√2 पीक वोल्टेज अपॉन रूट टू मेरा आर एम एस वोल्टेज होता है, राइट, और पीक करंट अपॉन रूट टू क्या हो जाता है मेरा आर एम एस करंट। तो वी आर एम एस इंटू आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो ये मेरा क्या होगा, ये एवरेज पावर होगा, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट की तरह लिखना है तो लिख सकते हैं, मतलब अगर वेक्टर की तरह ही देखना चाह रहे हो तो वोल्टेज आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। ओके समझ में आई बात के लिए? इससे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव या केवल इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट होता तो हमको पता है रियल पार्ट तो जीरो ही होता है, इज इट नॉट, ओवरऑल इंपीडेंस का रियल पार्ट तो जीरो ही होता। अगर कहीं पे भी रेजिस्टेंस डाली नहीं थे पूरे सर्किट में, चाहे जितना मर्जी झमेला बना लो, कहीं पे भी तुमने रेजिस्टेंस डाली ही नहीं, तो ओवरऑल जितना मर्जी सिंप्लीफाई करते रहोगे ओवरऑल तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जे इंटू समथिंग आ जाएगा तुम्हारा, इज इट नॉट। इसका मतलब क्या, करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का एंगल आएगा हमेशा, या तो +90 आएगा या -90 आएगा, लेकिन रहेगा हमेशा 90। इसका मतलब क्या, कॉस फाई तो जीरो हो जाएगा ना। तो यही बात जो मैं कह रहा था, अगर प्योरली इंडक्टर सर्किट है, प्योरली कैपेसिटर सर्किट है, केवल सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर ही लगे सर्किट में, तो पावर मेरा एवरेज हमेशा जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद क्या रिमार्क्स लिखे मैंने, तो फॉर सिंपल सीरीज एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा, और रेजिस्टर के यहाँ पे देख सकते हैं ये ई फेजर वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, आर बाई जेड हो जाएगा ना, सोच के देखो, ये ओवरऑल वोल्टेज तो आई इंटू जेड है, और ये फेजर क्या है मेरा आई इंटू आर, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, आई आर अपॉन आई जेड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई सिंपली आर बाई जेड, आई आई तो कैंसिल हो गया, आर बाई जेड। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू जेड इंटू जस्ट वन सेकंड ना,
हाँ, तो वोल्टेज को तो लिख सकता हूँ आई आर एम एस इंटू जेड, आर एम एस वोल्टेज को लिख सकता हूँ आई आर एम एस इंटू जेड, आर एम एस वोल्टेज, ठीक है। तो आर एम एस वोल्टेज इंटू आर एम एस करेंट इंटू कॉस फाई, यही था ना हमारा तो लिखा हुआ। तो इसको मैं चाहूँ तो एवरेज पावर को आई आर एम एस स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ, एंड दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, एवरेज पावर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होना ही चाहिए था, क्योंकि जो भी डिसिपेशन हो रहा है वो सारा रेजिस्टेंस में ही तो हो रहा है। तो दिस इज वॉट, दिस इज द रेट ऑफ डिसिपेशन इन द रेजिस्टर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर होता है डिसिपेशन, सो वट एवर इज बीइंग डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द जनरेटर। आई बात समझ में कि नहीं? तो ठीक है, तो क्या लिखा द टर्म्स कॉस फाई। अच्छा, ये जो टर्म कॉस फाई आया ना यहाँ पे पावर में, ये इस कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, किसी भी सर्किट का ये पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ओके, द टर्म कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, इन जनरल वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पावर फैक्टर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किट रादर देन पावर फैक्टर ऑफ द एंटायर सर्किट। तो कई बार क्या दिया होता है कि मतलब पूरे सर्किट का पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर कोई छोटा सा हमने आइसोलेट कर लिया कोई ब्रांच, तो उस ब्रांच के पावर फैक्टर की भी बात कर सकते हो। तो उस ब्रांच का पावर फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, तो अगर मान लो उसकी इम्पीडेंस उस ब्रांच की आर प्लस जे एक्स मेरी इम्पीडेंस है लेटर से, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली आर अपॉन जेड, यानी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? किसी भी ब्रांच का अगर पावर फैक्टर दिया तो इनडायरेक्टली आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो कई बार इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है कि आर कितना है, एक्स कितना है, कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन को। समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल सर्किट के पावर फैक्टर की जगह ब्रांच का या किसी छोटे से टुकड़े का भी पावर फैक्टर हमको दिया हो सकता है। तो आई होप ये सेक्शन तुमको समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो बोल दो। अब हम एक नई कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम पे हम लोग जाने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमको पता है कि एसी की जो इम्पीडेंस होती है वो मेरी ओमेगा डिपेंडेंट होती है ना, ओमेगा को मैं चेंज करते जाता हूँ, तो एक्सएल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, एक्सी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, लेकिन कभी ना कभी ऐसी कभी ना कभी जो ओवरऑल इम्पीडेंस मेरी मिनिमम होगी, है ना, ओवरऑल इम्पीडेंस मेरी मिनिमम होगी। और स्पेशली अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है तो मुझे पता ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होगा, आर प्लस जे एक्स होगा, राइट। वॉट विल हैपन, एक्स कैन बी ऑलवेज रिटन एज एक्स इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्स सी। वॉट हैपन्स टू द एक्सएल एज द ओमेगा इंक्रीज, एक्सएल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड एक्स सी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो कभी ना कभी क्या होगा, किसी ना किसी ओमेगा पे एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो हमारा खाली आर बचेगा इंपीडेंस, राइट, एंड दैट विल मैक्सिमाइज द करंट। समझ में आई बात की नहीं? तो अभी हम करंट मैक्सिमाइजेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, सर्किट की रेजोनेंस। तो वो क्या होगी वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा अभी, उसके पहले क्या है हमारा इंपीडेंस एंड फेज वेरिएशन इन सीरीज एसी सर्किट। तो हमारा फेज एंगल कैसे चेंज करता है, तो यहाँ पे देखो ये इस एक्सिस पे हमने लॉग ऑफ ओमेगा प्लॉट किया, ओमेगा की ड्राइवर फ्रीक्वेंसी उसका लॉग प्लॉट किया। और यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मेरी पता है ओमेगा से चेंज होती है, तो रेजिस्टेंस तो मेरी कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। एक्स टी की वैल्यू क्या होगी ओमेगा के साथ, तो तुम्हें पता है एक्स सी होता है तुम्हारा 1/ωL, राइट, 1/ωC। तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, एक्स सी की वैल्यू तो तुम्हारी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाओगे वो हमारी घटती चली जाएगी। तो ये तुम्हारा ये एक्स सी दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल पे ओमेगा यहाँ पे प्लॉट किया, तो एक्स सी मेरा ऐसे घटते जाएगा, ठीक है, और एक्सएल जो है लॉगरिथमिक स्केल पे ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और ओवरऑल क्या है, एक्सएल और एक्ससी जब बराबर होंगे तब ओवरऑल इंपीडेंस मेरी मिनिमम होगी। समझ में आई बात के नहीं? क्योंकि एक्सएल और एक्ससी का जो सब्ट्रैक्शन है और प्लस रेजिस्टेंस, ये मेरा ओवरऑल जेड है, राइट। तो जेड कब मिनिमम होगा, जब मेरा एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना ये ग्राफ, ठीक है। और अगर हम बात करें फेज एंगल की, तो अगर मान लो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तो क्या होगा, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत कम है तो मेरा क्या होगा, कैपेसिटेंस मेरा इनफैक्ट मतलब कैपेसिटेंस का इफेक्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, माइनस ए बाय ओमेगा सी होता है ना, तो ओमेगा अगर 0 को टेंड कर गया तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत लार्ज होगा, राइट। ओवरऑल हम कह सकते हैं ऐसे बिहेव करेगा सर्किट जैसे कि कैपेसिटर ही कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है तो मेरा फेज एंगल क्या हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, यानी वोल्टेज विल लीड द ओवरऑल करंट बाय 90 डिग्री। तो इसलिए क्या दिख रहा है, ओमेगा जब मेरा बहुत कम है तो एंगल मेरा कितना है, -90 डिग्री दिख रहा है। ये किसका एंगल दिखा रखा है हमारा, ये दिखाया है वोल्टेज का एंगल विद रिस्पेक्ट टू करंट, ये -90 डिग्री है, ठीक है। और जब मेरा ओमेगा बहुत लार्ज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत लार्ज हो जाएगी, तो प्रैक्टिकली सारी इंपीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ही हो जाएगी, देखना ओमेगा वेरी लार्ज पे। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल +90 डिग्री हो जाएगा, इसके बीच में ऐसे करके ऐसे कुछ कर्व आएगा। और करंट कैसे वेरी करेगा, जब मेरी ओमेगा बहुत ज्यादा है
सॉरी, जब मेरी ओमेगा बहुत कम है तो भी मेरा करंट बहुत कम होगा। ओमेगा बहुत कम है तो कैपेसिटर की वजह से इंपीडेंस बहुत लार्ज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंफिनिटी को टेंड करेगी, राइट। तो ओमेगा मेरी बहुत कम है तो भी करंट मेरा बहुत कम है, और ओमेगा मेरी बहुत ज्यादा है तो भी करंट मेरा बहुत कम है। बीच में मेरी एक कोई ओमेगा है जिसके ऊपर करंट मेरा मैक्सिमम है, और मुझे पता है ये कब होगा, जब यहां से देख सकते हो, जब एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सोच के देखो, जेड मेरा कब मिनिमम होगा, आर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव टर्म है, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर भी हमेशा या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो इम्पीडेंस कब सबसे कम होगी, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी विल लीड टू द मैक्सिमम करंट कंडीशन, राइट। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेजोनेंस बोल देते हैं हम लोग, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाती है। सीरीज सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा, द कर्व इन द अबव फिगर शो द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस विद द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो द फेज एंगल वेरिएशन बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट। रिकॉल दैट एक्सी क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी, अभी हम मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही, ठीक है। दैट एट वेरी लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स वेरी वेरी लार्ज एंड द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस नहीं लिखना चाह रहा था मैं, बिकम रिलेटिवली स्मॉलर, ये होना चाहिए था, इंडक्टेंस लिखना चाह रहा था यहाँ पे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, इट शुड बी इंडक्टेंस, ठीक कर लो इसको, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बिकम रिलेटिवली स्मॉलर। दैट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज द सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव, दैट इज वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द सोर्स करंट बाय नियरली 90 डिग्री। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा L बिकम वेरी हाई, and the capacitive reactance 1 by omega c is very low. Thus effect of resistance and capacitance are dominated by the inductor and circuit is said to be inductive. Very high frequencies. The voltage leads the source current by nearly 90 degree. Yes. बहुत high frequencies पे 90 degree lead करेगा. और z क्या है मेरा, xl minus xc square plus r square. This impedance is minimum when xl is equal to, यहाँ पे xc लिखना चाह रहा था, गलती से xl लिख दिया. Should be xl is equal to xc. That is omega l is equal to 1 by omega c. यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1/√LC, ठीक है। और ये भी फेमिलियर ही है, तुम याद करो जो ऑसिलेशंस के अंदर अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√KM आ जाती थी, राइट। तो ये √KM ही लिखा हुआ एक तरह से, समझ में आई बात के नहीं, ठीक है। ये मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। बाकी एक्चुअली वहां पे हम लोग जो फोर्स ऑसिलेशन में हम रेजोनेंस की बात करते थे, वहां पे √KM नहीं आता था, लेकिन वहां पे हम रेजोनेंस का मतलब लेते थे कि डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा करना, हमको आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम करंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें, मैक्सिमाइजिंग द करंट एम्पलीट्यूड हेयर इज इक्वलेंट टू मैक्सिमाइजिंग द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हेयर, राइट। तो वहां पर भी अगर मान लो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही होती है और हम चाहते हैं कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करने, तो मेरी एक्जैक्टली ड्राइवर फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होती, √KM चाहिए होती वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से तुम देखोगे, वो √KM माइनस कुछ टर्म है, B/2m का स्क्वायर या B²/2m स्क्वायर है, वो भूल गए होगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, लेकिन ठीक है, देखोगे तो याद आ जाएगा। फोर्स ऑसिलेशन में मैंने बताया हुआ, तो वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्जैक्टली √KM नहीं होती है, लेकिन अगर स्मॉल डैम्पिंग होती है तो √KM होती है वहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया, 1/√LC, ओके। एट दिस फ्रीक्वेंसी द करंट इज मैक्सिमम एंड इन फेज विद द सोर्स वोल्टेज। ऑब्वियसली जब ये है तो हमारा XL माइनस XC तो जीरो ही हो गया, यानी ओवरऑल इंपीडेंस मेरी रियल ही हो गई। अगर ओवरऑल इंपीडेंस रियल हो गई पूरी तरह से, तो इसका मतलब क्या, सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज जो है वो दे विल बी हैविंग जीरो फेज डिफरेंस, राइट। तो वही दिख रहा है यहाँ पे, देखो फेज एंगल जीरो हो जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है। XL और XC जब बराबर होगा तो फेज एंगल इज जीरो एंड इंपीडेंस इज मिनिमम, ठीक है, ओके। इनफैक्ट इंपीडेंस विल जस्ट बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली देन, राइट, ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। दस एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट इज 1/√LC, ये ड्राइवर फ्रीक्वेंसी लिखी। आई एट रेजोनेंस इज सेम एज आई मैक्स विच इज वी बाय आर, ठीक है। बेसिकली ये पीक करंट लिखा हुआ है, आरएमएस करंट तो 1/√2 कर दोगे उसका, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर, और कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेजोनेंस पर। इन जनरल रेजोनेंस इन एसी सर्किट मीन्स जेड जेड जो है हमारा रियल है। इनफैक्ट हमने तो सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस देखी है, बाकी जो रेजोनेंस वर्ड है ये एक्चुअली एम्बिगुअस हो जाता है कई बार। तो बच्चों को एक चाहिए होता है फॉर्मूला कि सर जब ये रेजोनेंस कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या ये करंट के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज कराना चाह रहे हैं, क्या ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज कराना चाह रहे हैं, या फिर ये ओवरऑल इंपीडेंस को रियल बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ भी नहीं मैंशन होता तो ज्यादातर क्वेश्चन में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, कि ओवरऑल इंपीडेंस रियल कर देना, समझिए कि नहीं।
कई बार क्या होगा, सीरीज पैरेलल सर्किट मिक्स दे रखा होगा, तो उसमें जो इंपीडेंस आएगी ओमेगा का कुछ तो फंक्शन आएगा, तो उसका जो जे का कोफिशियंट है उसको जीरो करना, रेजोनेंस का ये मतलब है। ऑल दो कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई भी पूछ चुका है, जहां पे ये इस एम्बिग्यूटी को क्लियर किए बिना क्वेश्चन पूछा हुआ। रेजोनेंस पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस का मतलब हो जाएगा करंट मिनिमम होगा एक्चुअली, जैसे सीरीज में देख रहे हो ना करंट मैक्सिमम आ रहा है, पैरेलल सर्किट में अगर तुम इंपीडेंस को तुम रियल कर दोगे तो यू विल सी दैट करंट विल बी मिनिमम एंड फॉर अ गिवन करंट वोल्टेज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। नहीं तो कायदे से तो हमेशा स्पेसिफाई करना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस, डू वी मीन मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट, मिनिमाइजेशन ऑफ करंट, और जस्ट मेकिंग द इंपीडेंस रियल। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो कुछ तो लेके चलना पड़ेगा, तो तुमको क्या मीनिंग लेके चलना है, रेजोनेंस का मतलब मीनिंग लेके चलना है कि इंपीडेंस को रियल कर देना, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसमें देख लो इस सेक्शन में अगर कुछ डिस्कशन है तो मेरे को बता दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। वैसे मैंने जिस सोर्स से लिया ये लॉगरिथमिक स्केल पे उसने भले ही प्लॉट कर दिया ज्यादातर किताबों में, लेकिन लॉगरिथमिक नहीं होता ग्राफ, तो मैं बिना लॉग के भी बता दे रहा हूँ कैसा ग्राफ होगा। बिना लॉग के प्लॉट करोगे तो एक्सेल का ग्राफ तो लीनियर स्ट्रेट लाइन ऐसे ओमेगा एल क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल का ग्राफ ऐसे चलेगा और एक्सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। और लीस्ट रेजिस्टेंस पे ऐसे करके जब ये दोनों बराबर होंगे ऐसा करोगे ऐसा ग्राफ होगा, तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दैट ग्राफ नॉन लॉगरिथमिक स्केल पे, ठीक है। यहाँ पे लॉग लेके कुछ कर दिया। अच्छा ये वाला ग्राफ जो है इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो देखो जब मेरा लॉग ओमेगा बहुत छोटा है, यानी ओमेगा मान लो बहुत छोटा है मेरा, ओमेगा अगर बहुत छोटा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत लार्ज हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बहुत लार्ज हो गई तो मैं मानता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस उसके मुकाबले नेगलिजिबल ही है। मान लो प्योर कैपेसिटिव सर्किट ही हो गया ऑलमोस्ट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो होती है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, तो इसलिए फेज एंगल मेरा -90 डिग्री को दिख रहा है हमको, ठीक है। और हमारा प्योर अब बहुत लार्ज ओमेगा हो गई तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेगलिजिबल हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत लार्ज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेगलिजिबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ इंडक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल इंडक्टर जैसे ही बिहेव करेगा सर्किट, तो इंडक्टर में क्या होता है हमारा, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करती है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए मेरे तो फिर इसका इफेक्ट तो खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट जीरो ही हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या, फेज एंगल तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, तो ये जीरो दिख रहा है जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, इजंट इट। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये मेरा करंट का ग्राफ दिखा रखा है विद ओमेगा, तो सोचो इंपीडेंस मेरी लीस्ट कब होगी, इंपीडेंस लीस्ट होगी जब ओमेगा और ओमेगा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, तब इंपीडेंस लीस्ट होगी ना, क्योंकि ये टर्म या तो जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, तो जीरो कब होगा जब एक्सएल और एक्सी बराबर है, यानी 1/√LC, तो 1/√LC पे जब मेरा करंट जो है ये मैक्सिमम आ रहा है, करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा दिखा रखा है, समझिए, तो करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट दिस ओमेगा, इससे ज्यादा करोगे ओमेगा फिर इंपीडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा, इससे कम करोगे फिर इंपीडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा, इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो करंट मेरा घटता चला जाएगा, ठीक। इसके बाद कल की क्लास में मैं और चीजें बताऊंगा, इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओमेगा को कितना बढ़ा दें, सर्किट में रेजोनेंस पे जितना पावर है उससे आधा ही पावर रह जाए, तो वो फ्रीक्वेंसीज इंपॉर्टेंट होती है जिसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, और दोनों साइड पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। टर्न्स आउट जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का ज्योमेट्रिक मीन होता है एक्चुअली, वो सब चीजें मैथमेटिकली कल हम प्रूव करने वाले, तो वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ऑल्दो एनसीईआरटी अरिथमेटिक मीन जबरदस्ती लेके आती है, और अरिथमेटिक मीन एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन करके अरिथमेटिक मीन आता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन तो एग्जैक्टली होता है जिसको एनसीईआरटी लिखती ही नहीं है। इनफैक्ट हम दिखा सकते हैं कि जो पावर मेरा ओमेगा रेजोनेंस अपॉन ईटा पे होगा वही ईटा टाइम्स ओमेगा नॉट पे होगा, वो यहाँ पे दिख ही जाएगा तुमको डायरेक्टली। सोच के देखो अगर इनफैक्ट रेजोनेंस पे तो एक्सएल और एक्सी बराबर है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मान लो आधी फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने लेटेस्ट से, तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी, और अगर मैंने डबल कर दी फ्रीक्वेंसी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी, तो ये टर्म तो सेम ही आ जाएगा ना मॉड स्क्वायर, समझ में आई बात के नहीं। तो 2 ओमेगा नॉट पे जितना मेरा इंपीडेंस होगा ओमेगा नॉट बाई 2 पे भी उतना ही इंपीडेंस होगा, 3 ओमेगा नॉट पे जितना इंपीडेंस होगा ओमेगा नॉट बाई 3 पे भी उतना ही इंपीडेंस होगा, ठीक है। तो ये सारी बात खैर कल डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, और ये पता चल जाएगा कि इसलिए ओमेगा नॉट जो वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो ये सब बात कल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।